ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਛੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सड़क पर लेटा पुलिसकर्मी, भ्रष्टाचार खत्म करो नहीं तो हाईवे कर दूंगा बंद। जिहड़ा मैं चोर फड़ के लिआउणा थाणे वाले छड़ियां ते पैसे लैके, साडे चोर गल पैण डए आ। हाल आ ता दो कदों इत्थे बस जिहड़ा इह चोर चक्का इह तुहाडी राखी लगे, जिहड़ा चोर चक्का लाया जे नवा फड़ के थाणे ओही पैसे लैके छड़ दिंदे थाणे वाले। साडे हत्थी पै गए बंदे, बंदे छड़ दे पैसे अपने आए दिन ऐसी कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें पुलिस ड्राइवर से भिड़ती हुई देखी जाती है, राहगीरों या फिर बाकी किसी चालक के साथ तू तू मैं होती ही रहती है। लेकिन आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि पुलिस ही पुलिस से खफा नजर आ रही है। दो कर्मी बीच सड़क पर लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों? आइए आपको बताते हैं। जो मैं चोर पकड़ कर लाता हूँ, थाने वाले पैसे लेकर उसे जाने देते हैं, ये कहना है इस कर्मी का जो बस के आगे आपको लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये पूरा वीडियो पंजाब के जलंधर का है जो काफी वायरल हो रहा है। यहाँ पंजाब पुलिस विभाग का एक कर्मी अनोखा विरोध प्रदर्शन करता देखा गया। भ्रष्टाचार से तंग आकर एक कर्मी सड़क के बीच में लेट गया, जिससे जलंधर राजमार्ग जाम हो गया। इस वीडियो में वो वाहनों को रुकवाते हैं, यातायात को रोकने के लिए चार लेन पर रस्सी बांधते हुए भी यहाँ कर्मी दिखाई देता है, जिसके बाद दूसरा कर्मी ट्रैफिक खोलने के लिए रस्सी खोलता हुआ दिखाई देता है। बस के आगे लेटे इस कर्मी को लाते मारता हुआ दिखता है। इस दृश्य को देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि भोगपुर थाने में एक युवक को झगड़े के मामले में होमगार्ड के जवान लेकर आए थे। उस व्यक्ति ने जमानत के लिए आवेदन किया था जो मंजूर कर ली गई, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन सड़क पर ये कर्मी भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका कहना था कि पैसे लेकर वरिष्ठ अधिकारी चोरों को छोड़ देते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और भ्रष्टाचार को लेकर पुलिस ही पुलिस से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकेंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि
हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।